मित्रों नमस्कार, मंत्र जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने इससे पहले एक संख्या पे वीडियो डाला था, संख्या असली नकली की पहचान। अब आज मैं आपको शुद्ध करना दिखाने जा रहा हूँ। अभी ये अशुद्ध संख्या है, इसका शोधन करने का तो बहुत तरीका है। इसको गाय का 3 लीटर दूध डाल के 3 घंटे आग जला के, 3 से 4 घंटे आग जला के मंद मंद आँच में इसको पकाएंगे तो दूध का सारा जितना भी जहर है ये संख्या दूध को पिएगी और दूध कम होता जाएगा जैसे जैसे ऊपर डालते जाना। इसका दोला यंत्र करना भी मैं आपको बताता हूँ। और ये देखिए, असली संख्या मैंने पहले बता दी थी, ये तोड़ने पे आपको मैंने पहले वीडियो दिखाई थी। अब देखिए तोड़ने पे इसमें शीशे शीशे देखिए दिखाई दे रहा अंदर से, ये मैं पहले दिखा चुका हूँ। ये असली संख्या है, ये देखिए ये ग्लास स्ट्रक्चर है। अब कुछ लोग संख्या, अगर नकली संख्या होगी तो उसको जब दूध में दोला यंत्र करेंगे तो उसका कलर बदल जाएगा या काली हो जाएगी। कुछ लोग चूतिया बना के पकड़ा देते हैं, महंगी महंगी लोगों को बेचते हैं। तो ये है असली संख्या, जब भी लेना हो ठीक है। ये कानी सुम्बल फाल होता है, खान से निकला हुआ होता है। और इसको एक बात का ध्यान रखेगा, कोई अनाड़ी आदमी इसमें हाथ नहीं डालेगा। अगर यह कच्ची रह गई तो लीवर गुर्दा सब खराब करके बैठ जाएगी। ये नहीं कि संख्या के फायदे जान जाए, अगर आदमी ऐसे इसको खा लेगा बिना शुद्ध किए एक चावल के बराबर मर जाएगा सीधे। इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं केवल जानकारी के लिए इस पर बता रहा हूँ ठीक है। अब मैं आपको दोला यंत्र करना बता रहा हूँ, ये पकड़ो जरा, दोला यंत्र करने के लिए ये मैंने सूती कपड़ा लिया है और ये संख्या ली है। इसको इसमें रख के ये ऐसे करके 4 तह कपड़े करके ये ऐसे करके, इसके बाद इसको धागे से बांध के ये देखिए मित्रों, ये ऐसे दोला यंत्र होता है। ये हम आपके पास रहा, ये दोला यंत्र ऐसे करना है। ये देखिए, ये ऐसे घड़ा रखना है, घड़े में ये मैंने रखा है ये दोला यंत्र करने पे ठीक है। अब ये दूध है, ये ऐसे करना है कि ये नीचे घड़े में न छुए ठीक है, ये बीच में रहे, दूध के बीच में रहे। अब देखिए दूध है, ये नीचे नहीं छू रहा है, नीचे दूध है थोड़ा और ये ऐसे है ठीक। अब मैं और दूध डालूंगा, इसमें मैं पहले 3 लीटर दूध डालूंगा। ये देखिए ये संख्या इसमें, ताकि ये संख्या जो है इसमें डूब जाए, ये पोटली डूबी रहेगी। ये वो भी इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि इसमें गाय का दूध होना चाहिए, वो पानी ना मिला हुआ हो। गाय के दूध में लोग शुद्ध तो करते हैं, लेकिन यही बताते हैं क्या कारण है गाय के दूध में शुद्ध करने का। गाय के दूध में शुद्ध इसलिए किया जाता है संख्या को, क्योंकि गाय का दूध आयुर्वेद में सबसे बढ़िया बोला गया है, आयुर्वेद में गाय के दूध का इस्तेमाल। तो इसलिए गाय के दूध में ही आप शुद्ध करें। ये मैं अब मैंने गैस जला दी, ये गैस जो है इतनी रहेगी, ना ज्यादा तेज धीमे। इसमें तो कोई खैर वो डर नहीं है, क्योंकि डर सिंगरफ में ज्यादातर रहता है। अब मैंने समय देख लिया है कि कितने समय तक ये बनाना है ठीक है। अब ये उबलती रहेगी, जैसे जैसे ये उबलेगी मैं आपको वीडियो दिखाता रहूंगा, प्रोसेस दिखाऊंगा और लोग, और ये भी दिखाऊंगा कि लास्ट में संख्या कैसे होती है। ये और ज्यादा सफेद इसका कलर हो जाता है। अब ये मैंने 8:15 हो गए हैं ठीक है, 9, 10, 11। अब मैं इसको जो है 11-12 बजे तक, 12-12:30 बजे तक मैं इसको पकाता रहूंगा दूध में। और दूध जैसे जैसे कम हो, जब संख्या ऊपर जैसे पोटली दिखने लगे कि ऊपर आ रही है, आपको फिर दूध डालते रहना है। इसी प्रकार आपको संख्या शुद्ध करना है। और बहुत से भाई जो है इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद क्या होता है, उनको नकली संख्या मिल जाती है, किसी को तो पहचान होती नहीं है। अब कुछ लोग डली संख्या कई क्वालिटी की आती है, इसमें भी 1 नंबर 2 नंबर की क्वालिटी आती है,
तो इस चीज का विशेष ध्यान दें, अगर अच्छी संख्या मतलब होगी तो रिजल्ट उसका अच्छा होगा, और कुछ संख्या होती है जिसमें स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, अंदर से केवल वाइट वाइट होता है, केवल ढली जैसे, तो उसमें उतना ज़्यादा दम नहीं होता है। अगर वाकई में पावरफुल आपको नुस्खा चाहिए, ये संख्या एक ऐसी दवा है, आप सभी जानते होंगे, क्योंकि इसको शुद्ध करने का एक तरीका और होता है, इसको खरल में डाल के उसको नींबू के रस की रगड़ाई की जाती है, रगड़ते थोड़ा थोड़ा रस डाल के, जब रस सूख जाता है फिर डाला जाता है, फिर उसके बाद टिक्की बना के उसको आग दी जाती है, ये भी तरीका है, लेकिन उस वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये सबसे आसान प्रोसेस है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है। इसके बाद शुद्ध होने के बाद गर्म पानी से धुला जाता है इसको। ये एक चावल की खुराक नामर्द को जो है मर्द बना देती है। जिस जो लोग गलती किए होते हैं, मारे मारे फिरते हैं, इधर उधर लाखों रुपए की दवा खा जाते हैं, जड़ी बूटियां खा खा के, लेकिन ठीक नहीं हो पाते हैं, तो ये एक संखिया एक ऐसी दवा है जो कभी फेल नहीं होती है। जो ज़्यादा गलती करके अपने लिंग को, जो कहते हैं कि मेरा साइज पहले ज़्यादा था अब छोटा हो गया है, तो जो सिकुड़न होती है ये आपको पहली अवस्था में आपके लिंग को लाके खड़ा कर देती है पूरी तरह से, और इसमें इतनी दम होती है कि 5-7 दिन खाने से ही बंदा जो है हैरान हो जाता है, उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है, जो मरीज बिस्तर पे पड़ा रहता है हमेशा सुस्त रहता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी दवा है। ये देखिए मित्रों, अब 1 घंटे से ऊपर हो गया है, इसको उबलते उबलते अब इसमें थोड़ा ये ऊपर आने लगा था, तो थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालते रहेंगे, जैसे उफान आने लगेगा, ये ऊपर दूध आने लगता है, इसमें थोड़ा सा दूध, ऐसे थोड़ा सा दूध डाल देंगे तो ये जो है थोड़ा उफान आना कम हो जाएगा। और एक चीज़ का इसमें विशेष ध्यान देना है कि जो धुआं आ रहा है ये आँख पे ना लगे, दूर रहें, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, नहीं तो ये आँख में लगेगी, जहरीली चीज़ है, क्योंकि जहर ये सारा जो है दूध में सारा जहर इसका आता है, ये भाप बन के जो उड़ रहा है, ये नुकसान बहुत ही घातक हो सकता है, इसलिए इसका जो है आप ध्यान दें। अब इसके बाद 3 घंटा और मैं इसको गर्म करूँगा, उसके बाद इसको निकाल के, संखिया को निकाल के जब पूरा तरह ठंडा हो जाएगा निकालने के बाद, और ये दूध जो है इस दूध को कहीं ऐसे गड्ढे में डाल दीजिएगा, कोई जानवर ना पिए, नहीं इसको नुकसान होगा, और बच्चों की पहुंच से बहुत ही दूर रखें, जिन घर में बच्चे होते हैं, बच्चे ना इसके पास आ सकें। ना दूध फेंकने के बाद आपको ये संखिया पोटली खोल के, उसके बाद इसको गर्म पानी से धुल लेना, उसके बाद 21 दिन तक मदार के दूध में इसको इसकी भावना देनी है, 21 दिन नहीं तो 7 दिन, ज़्यादा पावरदार बनाना है तो 21 दिन तक इसमें मदार के दूध डाल दिया, सूखने लगे फिर डाल दिया बदल के, ऐसे आपको 21 दिन तक रखना है, ये पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। इसको और पावरफुल बनाने के लिए आप नमक 1 किलो लेके कढ़ाही में नमक आधा डाल के, उसके बाद उसके ऊपर डली 1 तोले की 2 डली डाल सकते हैं, उसके बाद आप ऊपर से नमक डाल के दबा के रख दीजिए, उसके बाद आप मंद आग में 8 से 12 8 10 या 12 घंटे आग जलाना है। उसके लिए नमक पे आप कोई एक पत्ती रख दीजिए, कोई भी चीज़ रख दीजिए, जब पत्ती जल जाए, इतना गर्म हो जाए नमक, पत्ती जब जल जाए तो समझ जाइए कि आपकी संखिया तैयार, उसके बाद भी वो बहुत दमदार दवा बनती है। ठीक, तो शुद्ध करने का मैंने तरीका बता दिया है, और जो सावधानी बताया उस सावधानी को बरतें। जिन मित्रों भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और ये जानकारी केवल शिक्षा देने के लिए है, अनाड़ी आदमी इसमें हाथ ना डाले।